नमस्कार दोस्तों, दंदरुआ सरकार की अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख पा रहे होंगे पूज्य कंप्यूटर बाबा को, जो कि दंदरुआ धाम पहुंचे हैं। काफ़ी चर्चित नाम है पूज्य कंप्यूटर बाबा का। कंप्यूटर बाबा ने जाकर के पहले तो डॉक्टर हनुमान के दर्शन किए और उसके बाद पूज्य दंदरुआ महाराज जी से चर्चा की और उसके बाद दंदरुआ सरकार के भक्तों के लिए क्या संदेश दिया है, आइए सुन लेते हैं पूज्य कंप्यूटर बाबा को दंदरुआ धाम से क्या संदेश दिया है आप सब भक्तों के लिए। दंदरुआ धाम में पधारे पूज्य कंप्यूटर बाबा से करवाने जा रहे हैं और पूज्य महाराज सिंह से आज के दिन हम जानेंगे कि किस तरह से दंदरुआ सरकार भक्तों पर कृपा कर रहे हैं और चमत्कारी हनुमान क्यों डॉक्टर कहे जाते हैं जानते हैं। लोकतंत्र बचाव यात्रा हम लोग निकले हुए हैं 150 साधु संत, और उसी के तहत आज जब भिन्न जिले में घुसे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन करने के लिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे, क्योंकि दंदरुआ सरकार की बड़ी महिमा है और यहाँ नहीं पूरे देश में विख्यात है। जो भी दंदरुआ सरकार के शरण में आता है उसके जो भी बिगड़े काम बनते हैं और उनके प्रति आस्था रहती है, हम लोग भी आस्था के प्रति जो भी काम बिगड़े होते हैं वो करते हैं। और आज हमारी शुरुआत इसलिए हुई यहाँ पे क्योंकि हम लोकतंत्र मध्य प्रदेश में लोकतंत्र जो है वो बड़ा लोगों ने हत्या कर रहे हैं, उसको संविधान के टुकड़े कर रहे हैं, हमारे प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसलिए संत समाज आज निकला हुआ है तो दंदरुआ सरकार आकर के महाराज श्री के भी दर्शन किए, हनुमान जी महाराज के सभी दर्शन करके, और यहाँ तो बड़ी लीला परंपार है, लाखों लोग यहाँ भीड़ है। इस भीड़ के बाद भी हम लोगों को भाग्य अच्छे थे कि दर्शन मिले और महाराज श्री का आशीर्वाद मिला। महाराज जी भक्तों को क्या संदेश देना? भक्तों कहना चाहूँगा जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तैसी, जो भी भगवान के प्रति आस्था रखेगा उसका कल्याण होगा।